मैं शेर सिंह ग्राम पंचायत भाना से इस बार पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ और लोहड़ी के शुभ अवसर पर आप सबको बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ और सब पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आधे बोलने पे आप यहाँ पहुँच गए हैं। अब मेरे से कुछ बात पूछना चाहते पूछ सकते हैं सर। सर्वप्रथम आपकी जो अपनी समस्या है उसको लेकर बताइए, आप कौन से आरोप किस पंचायत प्रतिनिधि या और विशेष व्यक्ति पर लगाना चाह रहे हैं? सर मैं सर्वप्रथम ग्राम पंचायत भाना से एक उम्मीदवार है रणजीत सिंह जो कि इस बार पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो 27 तारीख को मैंने उनको बुलाया था कि ओपन डिबेट है, डिबेट में आए और आमना सामने बैठ के बात को क्लियर किया जाए, पर उन्होंने सामने नहीं आए और उनको मैंने चेतावनी दी थी कि 24 घंटे में मैं उनके काले चिट्ठे लोगों के सामने पेश करूंगा और जनता के सामने बताऊंगा, पर उन्होंने मेरी बात को ज़रा भी नहीं माना और जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार करते रहे। और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार से 1,42,487 रुपये मेडिकल क्लेम पे लिए हुए हैं। एक RTI है, इसमें उन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है कि मैंने इतने पैसे लिए हैं और वो मेंशन किया है कि मैंने बीमारी के नाम पे लिए हैं। और जब उनसे RTI के तहत पूछा जाता है कि ये आपको बीमारी क्या है, तो उसको लिख के दिया जाता है कि मेरी बीमारी गोपनीय रखी जाए। उनसे मैं ये बीमारी जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बीमारी है, वो हमको नहीं बताना चाहते। मैं सबसे पहले इसी बीमारी का जिक्र करना चाहूँगा कि वो बीमारी है कौन सी और मुझे वो बताया जाए ताकि जनता के साथ धोखा ना हो, क्योंकि वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी बीमारी है। इसके बाद उनको बार बार बुलाया जाता है पर वो आते नहीं। 2-3 बार उनको पहले बोला कि भाई साहब चुनाव में ना आए, पर वो बार बार चुनाव में आते हैं, प्रचार करते हैं, पर सच सामने नहीं लाते हैं। एक खुलासा उनका और हुआ है कि 2 जगह उन्होंने अपने वोटर कार्ड बना के रखे हैं, पालमपुर के विधानसभा और उसके बीच ग्राम पंचायत लोहना है, उसमें उन्होंने अपना वोटर कार्ड बना के रखा हुआ है जो कि 140 और 141 उनके नाम का है, 141 उनकी वाइफ के नाम का वोटर कार्ड बना हुआ है। और जसिमपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत भुआना में 173 नंबर वोट जो है वो उनका अपना है, 174 नंबर जो वोट है उनकी वाइफ का है। और दोनों जगह इनका वोट कैसे बना हुआ है, या प्रशासन की गलती है या उनकी है। और उससे पहले उन्होंने हमने RTI के तहत पता करना चाहा था तो उन्होंने खुद लिख के दिया था कि मैंने 10 सालों से पालमपुर विधानसभा के बीच चुनाव जो मतदान है वो वहीं कर रहा है। हमने RTI मांग दी 5/8/5/2009 को, तो उन्होंने उसमें लिख के दिया था कि मैं 10 सालों से पालमपुर रहता हूँ और मेरी भुआना पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं या प्रशासन के साथ या किसके साथ धोखा कर रहे हैं, इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। सामने आए, जवाब दें और मुझे इस बात का क्लेम चाहिए। एक अध्यापक होने के नाते गुरुजी हैं, वो स्कूल से रिटायर हुए हैं, अगर गुरुजी ही अगर ऐसे धोखा जनता के साथ कर रहे हैं तो उनके शिष्य क्या करते होंगे, ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि अब उनको गुरुजी भी हम कैसे बोलें। मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरा सिर्फ उनसे सच जानना है कि सच्चाई क्या है, उसको जनता के सामने रखा जाए, बताया जाए कि सच क्या है। चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, लड़ो, बड़ी खुशी की बात है, पर सच सामने लाया जाए। सच के बेस पे ही चुनाव लड़े जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो सच के बेस पे लड़ रहे हैं, वो जनता को धोखा दे रहे हैं। वो धोखे से चुनाव हम नहीं लड़ने देंगे।
चाहे वो हमारे गुरु जी हों चाहे कोई और हों। इसके अलावा कोई आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सर। मैडम मैं जो 142,487 रुपये इन्होंने जनता से सॉरी इससे सरकार से पैसे लिए हैं वो उनकी वो जो ले तो लिए चलो ठीक है उन्होंने कबूल किया कि मैंने मेडिकल क्लेम पे वो पैसे लिए हैं, पर हम ये बीमारी जानना चाहते हैं कि आपको बीमारी क्या है। RTI के तहत हम जब मांगने चाहे तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये बीमारी जो हम गोपनीय रखी जाए, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको गोपनीय रखना चाहते हैं हमारे पब्लिक। हो सकता है वो ऐसी बीमारी हो जो सिर टच होने से बीमारी जनता को भी हो जाए, हमें तो पता होना चाहिए कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी बीमारी है ये हम पहले सच जानना चाहते हैं। तो क्या शेर सिंह जी आप ये बताइए कि उन्होंने जिस चीज को बोला है कि हमारी बीमारी को गोपनीय रखा जाए और पब्लिक में इसको उजागर ना किया जाए, उन्होंने लिखित में दिया हुआ है ये कि मेरी बीमारी मेरे और मेरे परिवार को जो बीमारी है उसको मैं पब्लिक में उजागर नहीं करना चाहता हूँ जी। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं शेर सिंह जी की जो उन्होंने पैसा लिया है, रणजीत सिंह जो है शास्त्री पद से सेवानिवृत्त हुआ है वो, और उसने 142,000 रुपए का जो पैसा सरकार से लिया वो सरकार का पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है, बिल्कुल सर टैक्स कटा हुआ पैसा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसमें उन्होंने क्यों नहीं बताया? सर हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वो सरकार का पैसा होता तो हम नहीं पूछते, वो पब्लिक का पैसा है, हम सब भाइयों का पैसा है और हमारा राइट है अधिकार है पूछना और उनको बताना ही पड़ेगा। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर RTI हमारे पूछने का रीजन भी यही है क्योंकि पब्लिक का पैसा है, अगर पब्लिक का पैसा नहीं होता तो मैं नहीं पूछता। सिंह जी दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछने, आपने बोला है आपने कहा है कि उसने दो वोटर कार्ड बना रखे हैं जी सर, में भी एक वोटर कार्ड है उसका और उसके परिवार का और ग्राम पंचायत धोना में भी है, क्या चुनाव के बाद आप उसके विरुद्ध कोई FIR पुलिस में दर्ज करवाएंगे, शिकायत पत्र करेंगे? बिल्कुल सर करेंगे, क्योंकि या तो प्रशासन की गलती है उनकी, दोनों में से एक को तो क्लियर करना ही पड़ेगा क्यों गलती है। लोगों के बीच में जा रहे हैं क्या उनका वहां पे वो रहते हैं या वहां उनका निवास स्थान है वहां पे? सर निवास स्थान वहां उनकी मम्मी पापा की जमीन है और यहां पर उन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है, पर अब मुझे इतना नहीं नॉलेज उनके बारे में, बहुत कम मैंने वहां देखा है कि वो बहुत कम रहते हैं वहां, बहुत कम वो ज़्यादातर पालनपुर में रहते हैं, वो कभी कभी देखे हैं वैसे हम घूमने फिरने के चक्कर में जाते हैं और ज़्यादा मैं पालनपुर देखता हूँ, लगभग 20 सालों से उनको पालनपुर ही देखा मैंने। बिल्कुल सर दो जगह करते हैं और दोनों जगह दिख रहा है, उन्होंने पहले लिख के दिया है कि तहसीलदार महोदय जी को लिख के दिया हुआ है जो कि उन्होंने लिख के दिया हुआ है, हम जब हमने RTI मांगी थी उसमें वो थे 8/5/2009 को हमने जब RTI मांगी तो उसमें लिख के दिया कि मैं 10 सालों से पालनपुर रहता हूँ और अपने मत का प्रयोग पालनपुर में करूँ, वहाँ चौकी वार्ड है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है ग्राम पंचायत भवाना के बीच, तो उन्होंने लिख के दिया हुआ है। और इतना होने के बाद भी वो पिछली बार उन्होंने ग्राम पंचायत लोहना का वार्ड नंबर 6 था वहां पर उन्होंने मतदान किया हुआ है। आपका कहना है कि वो चुनाव जो है भवाना पंचायत से लड़ रहे हैं, इस बार भवाना से लड़ रहे हैं वो, उनको मैंने पहले बताया था कि अपना नामांकन न भरे जब तक आपकी पूरी बात क्लियर ना हो जाए, पर उन्होंने इतना होने के बाद भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और सामने जाके फिर उम्मीदवार के रूप में सामने गए और जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। सर अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है, पर हो सके तो मजबूर कर देंगे, अगर तो मुझे जाना पड़ेगा हाई कोर्ट तक जाऊंगा भी सर। तो आप कब जाएंगे जब चुनाव हो जाएंगे? तो मैम इसमें तो अचार से मैं खुद उम्मीदवार के रूप में हूँ, अगर मैं इसमें उलझ गया तो शायद मैं फिर अपना टाइम नहीं दे पाऊँ जनता को।